सही बच्चों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आए हैं जो नीट 11 के साथ साथ जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होती है उस एग्जाम्स में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यदि ये टॉपिक्स को अपन अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो फिजिक्स जो होती है बहुत सरल लगने लगेगी। बच्चों को फिजिक्स बहुत कठिन लगती है, क्यों? क्योंकि उनको ये फार्मूला ही नहीं पता होता है और यदि फार्मूले सब याद हो जाते हैं तो फिजिक्स जो है विषय सबसे सरल लगने लगेगा। तो आज हम 11th के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस के हम फार्मूले लेके आए हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि डायमेंशन, विमा और उसकी यूनिट मात्रा। तो भौतिक राशियाँ जितनी भी हमारे पास में जिसको हम नाप सकते हैं उन राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। उससे संबंधित हमारे पास विमा हम निकालेंगे, क्या करेंगे? विमा किसको कहते हैं? किसी भौतिक राशि के मात्रक को उनकी घात के रूप में यदि व्यक्त करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, यदि पावर के रूप में कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको पावर के रूप में यदि हम लिखते हैं, उसको व्यक्त करते हैं घात के रूप में, तो उसकी वो विमा कहलाती है। तो आज हम जो देखेंगे विमा के साथ साथ में उनके मात्रक भी, यूनिट भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक और विमा याद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि तीन चीज़ें अपने को विशेषकर याद रखना है। एक द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम होता है, मास जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान। तो सबसे पहले अपने को द्रव्यमान का याद रखना है। द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, मास, और इसकी विमा भी एम होती है, कैपिटल एम, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। पहली चीज, सबसे पहले अपने को द्रव्यमान की विमा याद रखना है तभी कोई विमा निकलेगी। तो द्रव्यमान की एम, उसका मात्रक किलोग्राम होगा और डायमेंशन एम होगी। द्रव्यमान को मास बोलते हैं इसलिए उसकी डायमेंशन एम। दूसरा हमारे पास लंबाई, लेंथ। लेंथ तक की विमा एल होती है, जो लेंथ आएगी उसकी डायमेंशन एल होगी और ये जो विमा होगी हमारे पास एल, ये अपने को कोई सी भी लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, हाइट हो, एंड लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, रेडियस हो, त्रिज्या हो, डायमीटर हो, व्यास हो मतलब, या फिर कोई डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कोई सी भी लेंथ हो, चाहे आप लंबाई ले लो, चौड़ाई ले लो, ऊंचाई ले लो, गहराई ले लो, व्यास ले लो, चाप ले लो, त्रिज्या ले लो, दूरी ले लो, विस्थापन ले लो, कोई सी भी लंबाई, एनी लेंथ, वो लेंथ है वो हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे उसकी डायमेंशन को, और उसको जो है हम मीटर में नापेंगे, उसकी यूनिट को मीटर में नापते हैं। तीसरा हमारे पास टाइम आता है, समय। तो ये तीन चीजें अपने को ध्यान रखना है, तीन विमा अपने को याद रखना है, डायमेंशन टाइम का टी और इसका यूनिट होती है सेकंड। यदि तीन विमा अपने को याद है बाकी भौतिक राशियों की विमा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम जो है पहले द्रव्यमान जिसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, डायमेंशन विमा और उसका मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई जिसको हम लेंथ कहते हैं, लेंथ में कोई सी भी लेंथ हो सकती है मैंने बता दिया, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापन हो, डिस्टेंस हो, दूरी हो, या मान लो रेडियस हो, त्रिज्या हो, डायमीटर हो, व्यास हो, या मान लो कोई हमारे पास में आर्क हो, चाप हो, या फिर अन्य कोई सी भी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है ना, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, या डेप्थ है, कोई सी भी लेंथ हो, सभी को एल से हम प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी यूनिट हमेशा मीटर होगी। और थर्ड हमारे पास टाइम, टाइम की वहाँ टी होगी और इसको सेकंड से प्रदर्शित करेंगे। तो ये तीन डायमेंशन अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यह भी हमने लिख रखा है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई के लिए हम डायमेंशन अभी लिख रहे थे, लंबाई का क्या लिखेंगे? एल। तो लंबाई का एल और चौड़ाई के लिए भी एल, तो लेंथ का एल लिखेंगे और ब्रेथ का भी एल, चौड़ाई का भी एल, तो एल इंटू एल, तो एल का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट डायमेंशन हो जाएगी एल का स्क्वायर। अब इसका यदि मात्रक लिखे हम तो मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से एल का स्क्वायर, बाकी तो जीरो है, यदि
मान लो एम और टी नहीं आते तो एम की पावर जीरो और टी की पावर जीरो हम लिख सकते हैं। जिस डायमेंशन में एम और टी नहीं आ रहा है उसमें पावर हम जीरो के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो एन जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। अब इसको यदि मात्रा के हम यूनिट लिखें तो एल मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ तो मीटर का स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। इसी प्रकार से वॉल्यूम आयतन देखें, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, वॉल्यूम का लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो इसकी लेंथ का एल, ब्रेथ का एल और हाइट का भी एल, लंबाई का भी एल, चौड़ाई का भी एल, ऊंचाई का भी एल, एल की पावर थ्री हो जाएगी। एल की पावर थ्री मतलब मीटर की पावर थ्री। जब भी एल आए तो उसकी यूनिट क्या लिखेगी मीटर, लंबाई है लेंथ है तो उसकी यूनिट मीटर लिखना, मीटर की पावर थ्री हो जाएगी। इसी प्रकार डेंसिटी घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान का आयतन, मास अपान वॉल्यूम, ये मास है ये वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। मास का क्या लिखेंगे हम, मास का एम लिखेंगे, मास का एम लिखना ऊपर एम आ जाएगा, ये मास की जगह एम लिख देंगे। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का ही हमने निकाला था एल क्यूब, एल क्यूब एम अपान एल क्यूब या एम एल की पावर माइनस थ्री, या टी जीरो टी नहीं आ रहा टी की पावर जीरो भी हम लिख सकते हैं। अब इसकी यूनिट लिखना है तो मास की यूनिट क्या होगी किलोग्राम, मास की यूनिट हमने लिख रखी किलोग्राम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर की पावर थ्री, तो किलोग्राम और मीटर की पावर थ्री। तो इस तरह से इसकी डायमेंशन से इसकी यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ये रिलेटिव डेंसिटी होती है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपन वाटर की डेंसिटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। क्योंकि यहाँ भी डेंसिटी यहाँ भी डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन हमने नहीं लिख रखी है एम एल की पावर माइनस थ्री टी जीरो, ये मान यहाँ वैल्यू पुट करेंगे दोनों एक सीधे कट जाए कैंसिल हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो और टी जीरो, मतलब रिलेटिव डेंसिटी की कोई विमा नहीं होगी। और यदि कोई विमा नहीं है तो उसका कोई मात्रक भी नहीं होगा, यूनिट भी नहीं होगी। वेग, अब यहाँ चाल और वेग दोनों की डायमेंशन एक ही होती है इसलिए फार्मूला एक ही लिख रखा, परंतु दोनों चीजें फार्मूले अलग अलग होते हैं। वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का जो ध्यान रखना है, ये चाल का फार्मूला दे रखा है यहाँ पर, ये चाल का है। और यदि हम वेग का फार्मूला लिखे, वेग बराबर होता है, सही फार्मूला लिखना है ताकि सवाल करते हल करते समय अपने को कोई परेशानी नहीं हो। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ है, तो लेंथ का एल और समय का टी, तो एल अपॉन टी या एल टी माइनस वन, एल मतलब मीटर और समय का मात्रा टी टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। जब भी माइनस हो तो अपान में लिख देना मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट हो जाएगी। यदि वेलोसिटी पूछते हैं तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता, विस्थापन बटे समय, विस्थापन का एल कोई सा भी डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, लेंथ है डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ है, तो विस्थापन बटे समय क्या हो जाएगा हमारे पास में एल अपान टी, एल विस्थापन और टी टाइम, एल अपान टी, तो इसकी डायमेंशन भी यही होगी। तो इन्हें कहने का मतलब दोनों की डायमेंशन सेम होती है, इसकी चाल और वेग यानी स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम होती है, परंतु फार्मूले अलग अलग है ध्यान रखना, क्योंकि दोनों भौतिक राशि अलग अलग होती है, एक स्केलर होती है वेक्टर होती है, इसलिए दोनों के फार्मूले अलग अलग है। अब अपन यदि मोमेंटम की बात करें, समय की, समय बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान का एम, मास का एम, द्रव्यमान आए मास एम, और वेग, वेग मतलब वेलोसिटी ये एल टी माइनस वन, तो मास का एम और मास का क्या लिखेंगे एम और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, ये हमने ऊपर लिख रखा है एल टी माइनस वन वेग का, तो एम एल टी माइनस वन ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अब इसकी यूनिट लिखे, इसका मास का किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर, किलोग्राम किलोग्राम मीटर माइनस है तो पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जब भी माइनस है तो उसको अपान ही लिख देना, प्रति सेकंड के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। त्वरण वेग में परिवर्तन अपान समय, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम, ये मोमेंटम था, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है ध्यान रखना, समय बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, एक्सेलरेशन त्वरण वेग में परिवर्तन अपान समय यानी चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम। अब त्वरण चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन लिखना एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, समय टाइम
टाइम के यू टी, तो ये टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस टू हो जाएगी, एम जीरो एल टी माइनस टू। तो जब भी एक्सेलेरेशन आए थोड़ा ना आए तो उसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे, एल टी माइनस टू। अब एल का मतलब मीटर और टी का मतलब टाइम, लेकिन पावर टू है तो उसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरह से इसकी डायमेंशन हम निकाल लेंगे और उसकी यूनिट भी निकाल लेंगे। फोर्स बल द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान मतलब एम मास, त्वरण मतलब एक्सेलेरेशन एल टी माइनस टू। तो मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू मास का एम और एक्सेलेरेशन का एल टी माइनस टू, त्वरण की एल टी माइनस टू होती है, यहाँ हमने लिख रखी है एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू। और यहाँ यदि हम इस डायमेंशन से इसकी विमा निकाले, मात्रक निकाले, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। कार्य बराबर मतलब बल गुणित विस्थापन, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स की हमने डायमेंशन निकाल रखी है एम एल टी माइनस टू, फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू। कोई डायमेंशन अपने को याद रखना पड़ेगा ताकि एक दूसरे में वैल्यू पुट करके अगले डायमेंशन आसानी से याद कर सकते हैं। तो फोर्स की याद रखना एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस दूरी, दूरी की लंबाई लेंथ की है, तो इसकी अगेन लिख देंगे एम एल टी माइनस टू इंटू एल, एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इस तरह से इसकी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। ये जो डायमेंशन से हम विमान फार्मूला निकाले, तो किलोग्राम मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर का स्क्वायर, टाइम का सेकंड का स्क्वायर, और इसी को जूल कहते हैं। तो हमारे पास जब भी कार्य आता है तो उसका मात्रक हम जूल के द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। फिर ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। तो जो कार्य की डायमेंशन या विमा होगी वही हमारे पास एनर्जी की विमा होगी, डायमेंशन ऊर्जा की विमा होगी। तो दोनों की विमा एक ही होती, ध्यान रखें किसकी किसकी, कार्य और ऊर्जा की। चाहे कोई सा भी ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, स्थिति ऊर्जा हो, उष्मीय ऊर्जा हो, ताप ऊर्जा हो, कोई सी ऊर्जा हो, सभी की विमा एक जैसी ही होगी, और वो होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगी। इसी प्रकार से बल आगुण टार्क, टार्क की फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की विमा हमने निकाली थी एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट की है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इसकी डायमेंशन भी वर्क जैसी ही होती है, वर्क जैसी ही होती है, ध्यान रखना डायमेंशन इसकी भी टार्क की है। टार्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की एम एल टी माइनस टू, और लेंथ की है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसकी डायमेंशन भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो कि वर्क के इक्वली होगी। हमारे पास इम्पल्स आवेग, आवेग होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई इम्पल्स कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो फोर्स की डायमेंशन हमने निकाल रखी एम एल टी माइनस टू, ये एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। और हमारे पास टाइम की वह टाइम की थी, तो एम एल टी माइनस टू इंटू टी, ये हो जाएगा टी माइनस वन हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। इस प्रकार से आवेग की विमा हो जाएगी एम एल टी माइनस वन, और ये जो विमा होती है ये संवेग की विमा के बराबर होती है। तो ध्यान रखना संवेग और आवेग दोनों की डायमेंशन एक ही होती है, किसकी किसकी, इम्पल्स और मोमेंटम, मोमेंटम संवेग और आवेग, इन दोनों की विमा एक समान होती है, और वो होती है एम एल टी माइनस वन। दाब प्रेशर बल बटे क्षेत्रफल, बल फोर्स के, फोर्स की एम एल टी माइनस टू, और एरिया क्षेत्रफल की हमने निकाल रखी है, क्षेत्रफल की एल का स्क्वायर होती है, ये हमने निकाल रखी है एल का स्क्वायर। तो दोनों की विमा पुट कर देंगे यहाँ पर, और दाब की विमा निकालेंगे एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, एल के एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये एल ऊपर जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो डायमेंशन क्या आएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो जब भी हमारे पास प्रेशर आता है तो उसका फार्मूला फोर्स अपन एरिया बल बटे क्षेत्रफल, और इसकी डायमेंशन एम एल माइनस टी माइनस टू, और इसका जो मान यदि अपन यूनिट देखें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, जब भी ध्यान रखना फोर्स की यूनिट न्यूटन, और एरिया की मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं। तो जब हम प्रेशर की बात करेंगे, दाब की बात करें, तो उसकी यूनिट पास्कल लिखेंगे, ध्यान रखें। शक्ति कार्य होते समय, कार्य वर्क, वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टाइम, टाइम को ऊपर ले जाएंगे टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास पावर की या शक्ति की विमा हो जाएगी। फार्मूला कार्य होते समय वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, और इसकी मात्रक क्या जाएगा वाट। तो पावर, जिसके पास पावर होती है वो क्या करती है, सबकी वाट लगा देता है,
तो याद रखने की, जिसके पास पावर हो सबकी वाट लगा देता है, उसकी पावर की यूनिट वाट होती है। कार्य की यूनिट जूल होगी, कार्य हमेशा मिल जुल कर करना चाहिए, तो कार्य की यूनिट याद रखने के लिए क्या करना है, कार्य हमेशा मिल जुल कर करना चाहिए, तो जूल यूनिट याद रखना कार्य की। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स अपान लेंथ, फोर्स अपान लेंथ, फोर्स की डायमेंशन एम एन टी माइनस टू और लेंथ की एल, तो एल से एन कैंसिल हो जाएगा, एम ए जीरो टी माइनस टू, और इसकी यूनिट लिखे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और लेंथ की मीटर होती है, तो न्यूटन पर मीटर। फिर फार्मूले से भी हम यूनिट लिख सकते हैं, लेंथ पर बल की न्यूटन और लंबाई की मीटर, न्यूटन पर मीटर। विकृति लंबाई में परिवर्तन बेटे प्रारंभिक लंबाई, क्योंकि ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई दोनों लेंथ है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, तो ऊपर लेंथ नीचे भी लेंथ, लेंथ एंड लेंथ कैंसिल हो जाएगी, एम जीरो इंटू टी जीरो, लेकिन इसी को डायमेंशन नहीं होगी, और डायमेंशन नहीं होगी तो इसका विमा भी क्या ना मात्रक भी नहीं होगा। फिर हमारे पास में प्रतिबल, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की हमें पता है एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना, तो एल ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और इसकी यूनिट फोर्स की न्यूटन और एरिया की पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से प्रत्यास्थता गुणांक कोफिशियंट, इलास्टिक कोफिशियंट होता है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल ये स्ट्रेस का हमने निकाल रखा, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल इसकी यूनिट ये हमने डायमेंशन लिख रखी है, और क्योंकि विकृति की कोई मांग नहीं होती है, विकृति है स्ट्रेन है इसकी कोई मांग नहीं है, तो इसको नीचे हमने वन लिख दिया, कुछ नहीं विमा होती है, हटा दिया उसको, तो एम एल माइनस टू टी माइनस टू। अब एक चीज ध्यान रखना, प्रतिबल, स्ट्रेस, प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिक कोफिशिएंट और प्रेशर दाब, इन तीनों की विमा एक जैसी होती है, किसकी किसकी, प्रेशर, स्ट्रेस और हमारे पास में इलास्टिक कोफिशिएंट, इलास्टिक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, तीनों की डायमेंशन एक ही होती है, किसकी किसकी, प्रेशर दाब, प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिक कोफिशिएंट और स्ट्रेस प्रतिबल, इन तीनों की डायमेंशन एक ही होती है और वो होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू होती है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास में है स्प्रिंग या बल नीतांक, स्प्रिंग नीतांक या बल नीतांक इसको हम बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट की भी कहते हैं इसको, फोर्स अपॉन लेंथ चेंज इन लेंथ, बल बटे लंबाई, बल बल की हमने निकाली थी एम एन टी माइनस टू और लेंथ की एल, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम एल जीरो टी माइनस टू, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बल की न्यूटन और लेंथ की मीटर, तो लेंथ न्यूटन पर मीटर। एक चीज ध्यान रखना, बल नीतांक और पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, इन दोनों की डायमेंशन एक होती है, किसकी किसकी, स्प्रिंग या बल नीतांक और पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है और वो होती है एम टी माइनस टू या एम एल जीरो टी माइनस टू, दोनों की यूनिट बल की न्यूटन और लेंथ की मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। कोण आर का अपान रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप की एल, हमने अभी बताया कि चाप या दूरी विस्थापन सबकी विमा एल होती है, रेडियस, रेडियस की भी एल, एल अपान एल, कोई इसका विमा नहीं होगी, डायमेंशन लेस होगा ये, और इसकी जो यूनिट होती है रेडियन होती है, ध्यान रखना, तो एक चीज ध्यान रखना कि कोण की विमा नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती एंगल की, बट उसका जो यूनिट होती है उसको हम रेडियन में नापते हैं, ये चीज ध्यान रखना। फिजिक्स में एक भौतिक राशि है जिसकी कोई विमा नहीं होती है, परंतु उसका क्या होता है, यूनिट होती है, उसका मात्रक होता है, तो वो कौन सी राशि है हमारे पास, एंगल, कोण, ध्यान रखना। फिर कोणी ले, कोण बटे समय, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है, कोण का कोई डायमेंशन नहीं हमने लिख रखा और टाइम की टी, तो टी माइनस वन ऊपर चले जाएगा, टी माइनस वन हो जाएगा, और इसकी यूनिट कोण की रेडियन और टाइम की सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। कोणी त्वरण, कोणी वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, कोणी वेग में परिवर्तन अपॉन समय है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन कोणी त्वरण है,
तो कोणीय वेग में परिवर्तन मतलब टी माइनस वन, ये हमने निकाल रखी अपान टी, तो टी ऊपर चले जाएगा टी माइनस टू हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास में इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा टी माइनस टू। या इसकी यूनिट निकाले हम तो कोणीय वेग में परिवर्तन की यूनिट क्या निकाली थी अपने, रेडियन और टाइम की सेकंड, तो रेडियन और सेकंड कोणीय वेग थी रेडियन अपान सेकंड थी, ध्यान रखना इसकी यूनिट ये रेडियन अपान सेकंड, और टाइम और भी है नीचे अपान में टाइम अपान में, तो रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणित लंबवत दूरी का वर्ग, द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करते हैं और दूरी को एल से, है ना, मास इंटू परपेंडिकुलर लेंथ डिस्टेंस, तो एम इंटू एल का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास जड़त्व आघूर्ण की विमा आ जाएगी, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास का एम और डिस्टेंस का एल, तो एल का स्क्वायर, तो एम इंटू एल का स्क्वायर, मास का किलोग्राम और लेंथ का एल का मीटर का स्क्वायर, या एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, टी की पावर जीरो, तो इतना ही है इसको। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा होता, आई मतलब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो आई की डायमेंशन हमने निकाल रखी है एम एल स्क्वायर, और ओमेगा की डायमेंशन भी हमने निकाल रखी है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो दोनों की डायमेंशन रख देंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। इस तरह से ये हमारे पास कोणीय संवेग की विमा आ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम की विमा आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति एक बटे आवर्तकाल, वन अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड होता है आवर्तकाल, वन बाई टी, टी ऊपर चलेगा टी की पावर माइनस वन, तो टी की पावर माइनस वन बचेगी हर्ट्स या पर सेकंड, तो आवृत्ति की विमा या तो हर्ट्स लिखो, डायमेंशन टी माइनस वन लिखो, और उसकी यूनिट हर्ट्स लिखो या प्रति सेकंड लिखो। फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये हम पढ़ेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम नियतांक होता है, उसका जो फोर्स होता है उस फोर्स से जी की वैल्यू निकालते हैं, जी का फार्मूला यहाँ दे रखा है, एफ इक्वल टू जी एम एम अपान डी का स्क्वायर होता है, यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लेना, इसका मल्टीप्लाई कर देना, फोर्स इंटू डी का स्क्वायर अपान एम वन एम टू, तो फोर्स की डायमेंशन हमने निकाल रखी है एम ए टी माइनस टू, दूरी एल स्क्वायर, मास एम और ये भी मास एम, इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल, जो कटर उसको काट देंगे एम सेम कट जाएगा और एम ऊपर चला जाएगा, तो एम की पावर माइनस वन हो जाएगी, एल स्क्वायर और एल की पावर थ्री हो जाएगी और टी माइनस टू हो जाएगी। इस प्रकार से इसकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, फोर्स की न्यूटन, दूरी की मीटर का स्क्वायर और किलोग्राम 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 का स्क्वायर, तो इसके हम डायमेंशन भी अब निकाल सकते हैं। और आगे हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, तो हीट अपान मास इंटू टेम्परेचर ताप में वृद्धि, ये फार्मूला अपने को याद रखना है, ये फार्मूला यदि याद होगा तो हम कोई सी डायमेंशन या हमारे पास विमा और हम मात्रक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन में पूछे गए सवाल है सारे, तो क्यू इक्वल टू डेल्टा एन इंटू एस डेल्टा टी होता है, ये हमारे पास में हीट का फार्मूला होता है, इस फार्मूले से एस जो होती है वो स्पेसिफिक हीट होती है, इस एस का मान हम निकालेंगे, डेल्टा क्यू हीट है ऊष्मा, और इसको एम को नीचे ले जाएंगे मास और टेम्परेचर को भी नीचे ले जाएंगे, इस फार्मूले से हमारे पास में क्या लेंगे, ऊष्मा ऊर्जा अपन मास इंटू टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ऊष्मा मतलब ऊर्जा की आपको पता है एम एल टी माइनस टू, जो वर्क की होती है, द्रव्यमान की एम और टेम्परेचर की हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यह एक नई डायमेंशन आ जाएगी थीटा, जब भी तापमान आ जाए थीटा से या उसको केल्विन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास में इसकी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एम की पावर जीरो, एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन हो जाएगा। अब इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, तो ऊर्जा की विमा जूल, ऊर्जा की विमा जूल, द्रव्यमान की किलोग्राम और ताप की केल्विन, तो जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन, तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले से इसकी यूनिट में हम लिख सकते हैं। ऊष्माधारिता, ये हमारे पास ऊष्माधारिता होती है, हीट कैपेसिटी होती है, और इसका मान होता है मास इंटू विशिष्ट ऊष्मा, है मास इंटू स्पेसिफिक हीट, तो ये फार्मूला अपने को याद रखना है, ये सारे फार्मूले फिजिक्स में इलेवेंथ में आएंगे आगे चैप्टरों में। तो ऊष्माधारिता का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान एम और विशिष्ट ऊष्मा ये हमने निकाल करके इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसी से इसकी यूनिट भी लिख देंगे, द्रव्यमान का मान किलोग्राम और विशिष्ट ऊष्मा की यूनिट ये लिख रखी है, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, तो जूल अपान केल्विन ये हमारे पास में आ जाएगा इसका आंसर। और गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ये इसका फार्मूला था क्यू इक्वल टू एम एल, एल कहलाती है गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहलाती है, हीट अपान मास, हीट का हमारे पास पता
हीट मतलब एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अपन मास का पता है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या रहेगी, हीट की जूल और मास की किलोग्राम, जूल 5 किलोग्राम। इसी प्रकार से रेखीय प्रसार गुणांक थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई में ताप में वृद्धि, तो प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में वृद्धि, ये चेंज इन लेंथ है, ये इनिशियल है, और ये टेम्परेचर में इंक्रीजिंग टेम्परेचर है। तो लंबाई में वृद्धि मतलब एल, लेंथ की एल, और प्रारंभिक लंबाई वो भी लेंथ है उसकी भी एल, और टेम्परेचर का थीटा, इस तरह से इसकी डायमेंशन थीटा माइनस वन हो जाएगी। और इसकी क्योंकि थीटा माइनस वन है, थीटा मतलब किसके नापते हैं, केल्विन में, टेम्परेचर है ध्यान रखना, एंगल नहीं है, टेम्परेचर है, इसको केल्विन में नापते हैं, तो केल्विन की पावर माइनस वन, वन अपन केल्विन लिखो या केल्विन की पावर माइनस वन। इसी प्रकार से उष्मा चालक का गुणांक, तो उसका जो फार्मूला होता है के का, या उष्मा का फार्मूला ये होता है, जैसे के का फार्मूला हम निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके इसको अपान में करके निकाल सकते हैं, तो उष्मा इंटू दूरी अपान क्षेत्रफल टाइम इंटू टेम्परेचर, उष्मा हीट डिस्टेंस एरिया टाइम और ये हमारे पास टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो उष्मा की यानी हीट की हमारे पास में पता है, ऊर्जा की डिस्टेंस की एल पता है, क्षेत्रफल एरिया लेंथ इंटू ब्रिथ हाइट, और टाइम की टी और टेम्परेचर की थीटा। इस तरह से ये डायमेंशन सब हम वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास में जो कैंसिल होना घट जाएगी, जो जो सिंपल सॉल्व करके लिख देंगे, एक एल से एक एल कट जाएगा, एक एल बच जाएगा, एम यहाँ से एक एल ए भी कट जाएगा हमारे पास, यहाँ से एक एल ए कट गया, तो एक एल ही बच जाएगा, ठीक है। एम एल टी माइनस ये ऊपर जाएगा, चले जाएगा टी माइनस, यहाँ वन है ऊपर जाएगा माइनस वन, ये भी हो जाएगा, और टीटा माइनस वन, तो एम एल टी माइनस थ्री टीटा माइनस वन। तो इस प्रकार से इसके जो यूनिट हो जाएगी, ऊष्मा की जूल, दूरी की मीटर, और क्षेत्रफल की मीटर का स्क्वायर, अपन टाइम की सेकंड, और टेम्परेचर की केल्विन। तो इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो जूल इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर लेंथ की मीटर, अपन मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल की, और टाइम की सेकंड, और टेम्परेचर की केल्विन, तो एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या गया, जूल अपॉन मीटर इंटू सेकंड इंटू केल्विन। तो इस तरह से हमारे पास डायमेंशन है, तो ये सारी डायमेंशन अपने को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, और यदि ये डायमेंशन और फार्मूले यदि याद हो गए तो फिजिक्स बहुत ईजी लगने लगेगी अपने को, न्यूमेरिकल भी यदि आते, कोई सवाल भी आते, उन सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।